हेलो, वेलकम टू माय चैनल कोशर फ्यूजन बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मेथी आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। मेथी यानी फेनिग्रीक बहुत तरीकों से बनाई जाती है, जैसे मेथी पराठा, मेथी मटन, मेथी पालक वगैरह। मेथी सुखाकर भी हम बहुत तरीकों से काम में लाते हैं। ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। मेथी बालों का झड़ना रोकती है, स्किन हेल्थ, लिवर हेल्थ, स्टोमक हेल्थ, हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मेथी के जैसे ही आलू भी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, स्किन और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेथी आलू बनाने के लिए मैंने मेथी को चॉप करके फिर वॉश करके रखा हुआ है। ऐसे ही मैंने आलूओं को भी काट के उनके पीसेस बना के रखे और वॉश करके रखे। पैन को गैस पर चढ़ाकर फुल फ्लेम रखेंगे और इसमें हम तेल ऐड करेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, फ्लेम को लो पे करके इसमें हम हींग ऐड करेंगे और इसको 30-40 सेकंड तक अच्छे से सॉटे करेंगे। अच्छे से सॉटे करने के बाद हम इसमें कटे हुए आलू ऐड करेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। वोल्टेज को हम मीडियम पे करेंगे। आलू फ्राई करते हुए इनको बीच बीच में हिलाते रहे ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। आलू जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, आलूओं के एक साइड में करके इसमें काट के मिर्ची हम ऐड करेंगे। ये मिर्ची आप हींग डालते टाइम भी ऐड कर सकते हैं। आलूओं को फिर से हिलाते रहे जब तक ये पूरे फ्राई हो जाएंगे। आलू जब फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। आपस में मिलाएंगे, फ्लेम को लो पे करके इसमें हम हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे और आपस में मिलाएंगे। साथ ही में हम इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और उसी के साथ हम इसमें सौंफ पाउडर भी ऐड करेंगे। फिर से हम इसको 30 से 40 सेकंड तक सॉटे करेंगे। 30 से 40 सेकंड तक सॉटे करने के बाद हम इसमें 2-3 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे। इसको आपस में मिलाएंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। फिर हम इसको ढक लेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम लिड ओपन करेंगे। आलू लगभग 50% रेडी है। अब इसमें हम चॉप करी हुई मेथी ऐड करेंगे। मेथी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको हम हिलाते रहेंगे। फ्लेम को हम लो पे करेंगे। आलू जल न जाए इसलिए इसको हिलाए बीच बीच में। धोने के बाद हरी सब्जियां फ्लफी लगती है, इसलिए मेथी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें। सारी मेथी आलू में ऐड करने के बाद इसको हिलाते रहे। मेथी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ देगी। फ्लेम को लो मीडियम पे करके इसको हिलाते रहे ताकि मेथी भी आलू के साथ पक जाए। फिर हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आपस में अच्छे से मिलाएंगे और इसको ढक कर 3-4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे ही पकने देते हैं। बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। बीच में हिलाने के बाद हम इसको फिर से ढक लेंगे और इसको अच्छी तरह से कुक होने देते हैं। 4 मिनट के बाद मेथी और आलू अच्छी तरह से पक गए हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे। मेथी आलू की टेस्टी और हेल्दी सब्जी रेडी है। आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करें। होप आपको ये आज की बनाई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये रोटी, पूड़ी, पराठा या नान के साथ एंजॉय करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट्स।